सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉलीवुड मूवी यानी कि तेलुगु लैंग्वेज मूवी सलार पार्ट वन सीज फायर इस मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी सलार पार्ट वन जो की रिलीज हुई थी 22 दिसंबर 2023 22 दिसंबर 2023 को, इस मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। अगर बात करें रेटिंग की तो इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। अगर स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सलार मूवी शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ क्लैश हुई थी। अगर आप लोग डंकी मूवी का कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि जैसे कि मैंने बताया सलार और डंकी ये दोनों आपस में क्लैश हुई थी। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो सलार के स्क्रीन काउंट्स थे वो डंकी से ज्यादा थे। इंडिया में डंकी को इंडिया में सिर्फ 4,200 स्क्रीन्स दिए गए थे, लेकिन अगर मैं सलार की बात करूं तो इस मूवी को इंडिया में टोटल 5,120 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। 5,120 स्क्रीन सलार को इंडिया में दिए गए थे। अगर बात करें ओवरसीज मार्केट की तो ओवरसीज मार्केट में सलार मूवी को टोटल 2,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, यानी कि सलार मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड 7,120 स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड दिए गए थे। सलार एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। प्रशांत नील वही हैं जिन्होंने कन्नड़ मूवी केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया था। अगर आप लोग केजीएफ चैप्टर 1 या फिर 2 का कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि सलार मूवी को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था और सलार एक तेलुगु मूवी है, तो ये प्रशांत नील की तेलुगु सिनेमा में एज अ डायरेक्टर डेब्यूट फिल्म थी। अगर हम सलार मूवी के राइटर्स की बात करें तो मूवी की स्टोरी लिखी थी एंड साथ ही स्क्रीन प्ले किया था प्रशांत नील ने। इसके अलावा अगर हम डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स लिखे थे संदीप रेड्डी बंदला, डॉक्टर सूरी एंड साथ ही हनुमान चौधरी। इस मूवी को विजय किरगंदूर ने प्रोड्यूस किया था जो कि होमले फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के फाउंडर भी है, और सलार मूवी को होमले फिल्म्स इसी बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। चलिए बात करते हैं सलार मूवी से जुड़ी कास्ट यानी कि कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, श्रिया रेड्डी, जगपति बाबू, ईश्वरी राव, बॉबी सिम्हा, ब्रह्मा जी, टीनू आनंद, जॉन विजय एंड देवराज ये सारे मूवी के अंदर नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। अब जैसे कि मूवी का नाम है सलार पार्ट वन सीज फायर पार्ट वन, यानी कि ये सलार मूवी का पार्ट वन है जिसका सीक्वल भी बनाया जाएगा यानी कि पार्ट टू भी बनाया जाएगा। अब जो पार्ट टू होगा उसका नाम होगा सलार पार्ट टू शौर्यंगा पर्वम, जिसकी स्क्रिप्ट पर काम तो पूरा हो चुका है और इसी साल यानी कि 2024 में ही फिल्म की शूटिंग पर भी काम शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पार्ट टू जो होगा वो साल 2025 या फिर 26 तक रिलीज किया जा सकता है। सलार पार्ट वन साल 2014 में आई कन्नड़ मूवी उग्रम मूवी का एडाप्ट है। आप इसे एक तरह से रीमेक भी कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रीमेक नहीं है, यानी कि दोनों की स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं। अब जो मूवी थी कन्नड़ मूवी उग्रम, उस मूवी को भी सलार मूवी के ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही डायरेक्ट किया था, जो कि प्रशांत नील की एज अ डायरेक्टर डेब्यूट फिल्म थी। सलार मूवी की ओरिजिनल भाषा तेलुगु है, लेकिन इस मूवी को थिएटर्स में तेलुगु के अलावा हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस मूवी का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये चारों वर्जन 20 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो मूवी का हिंदी वर्जन डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 16 फरवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी जाकर देख सकते हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की यानी कि डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स, तो वो सब बिके थे 350 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स ये सब बेचकर 350 करोड़ अलग से कमाई की थी। खैर, हम इस जो ये जो कमाई हुई थी इसको हम कलेक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते।
तो अब बात करते हैं सलार मूवी से जुड़े वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, साथ ही बजट और वर्डिक्ट की। सलार मूवी ने डे वन पर अपनी जो ओपनिंग कलेक्शन की थी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वो थी 178 करोड़ 70 लाख रुपीस की। यानी कि ये जो मैंने आपको कलेक्शन बताया, इस कलेक्शन में डे वन का इंडिया का नेट, इंडिया का ग्रॉस और ओवरसीज कलेक्शन सब कुछ इंक्लूड था। अगर मैं सिर्फ इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करूं तो वो हुआ था डे वन को 90 करोड़ 70 लाख रुपए का, 90 करोड़ 70 लाख का। अब जैसे कि मैंने बताया कि मूवी का डे वन का जो ओपनिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी 178 करोड़ 70 लाख रुपीज की, इसी ओपनिंग के साथ सलार मूवी साल 2023 की इंडियन मूवीज की लिस्ट में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी थी, जो कि साल 2023 का एक रिकॉर्ड था। अगर मैं मूवी के फर्स्ट 3 डेज यानी कि फर्स्ट वीकेंड के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वो हुआ था 373 करोड़ 15 लाख रुपए का, 373 करोड़ 15 लाख का। पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था सलार मूवी ने। इसके अलावा इस मूवी का जो पहले 7 दिन यानी कि फर्स्ट वीक का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था वो था 542 करोड़ 63 लाख रुपीस का। बात की जाए सेकंड वीक की यानी कि दूसरे हफ्ते की, तो सेकंड वीक में सलार मूवी ने वर्ल्ड वाइड 117 करोड़ 6 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 117 करोड़ 6 लाख रुपीस की। मूवी ने अपने तीसरे हफ्ते यानी कि थर्ड वीक में 50 करोड़ 94 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 50 करोड़ 94 लाख रुपीस की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इसके बाद मूवी ने अपने चौथे हफ्ते यानी कि फोर्थ वीक में 10 करोड़ 94 लाख की कलेक्शन की थी, 10 करोड़ 94 लाख रुपीस की। इसी के साथ सलार मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन हो जाता है वो था 729 करोड़ 63 लाख रुपए का, 729 करोड़ 63 लाख रुपीस का। इस कलेक्शन में मैं एक पार्ट तो जोड़ना भूल ही गया था, सलार मूवी ने हिंदी वर्जन में अपनी जो टोटल नेट कलेक्शन की थी वो थी 153 करोड़ 84 लाख रुपए की, 153 करोड़ 84 लाख की इंडिया के लाइफ टाइम नेट कलेक्शन। वही अगर हम इंडिया के लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो हुआ था 183 करोड़ 7 लाख रुपीज का। वही बात करें मूवी की जो ओरिजिनल भाषा है तेलुगु, उसके अगर हम लाइफ टाइम नेट कलेक्शन की बात करें तो वो था 218 करोड़ 30 लाख रुपए का, 218 करोड़ 30 लाख रुपीज का। वही अगर तेलुगु वर्जन के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो था 259 करोड़ 78 लाख रुपीज का। आप लोग जानते होंगे कि सलार मूवी को हाल ही में यानी कि 5 जुलाई 2024 को जापान में भी रिलीज किया गया था, लेकिन अभी जो मैंने आपको कलेक्शन बताया इस कलेक्शन में जापान का कलेक्शन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मूवी इस टाइम जापान में भी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मूवी का जापान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन जो होगा मैक्सिमम वो 2 करोड़ तो होगा, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको सलार मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया था 729 करोड़ 63 लाख रुपए का, अगर हम इसके अंदर जापान का भी कलेक्शन इंक्लूड कर दें जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक होगा, तो सलार मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन टोटल जाएगा वो होगा 731 करोड़ 63 लाख रुपए का, 731 करोड़ 63 लाख रुपीज का। लेकिन जापान के कलेक्शन से मूवी के वर्डिक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताएं कि जो मूवी है सलार, इस मूवी का बजट था लगभग 400 करोड़ के आसपास का, इस मूवी का बजट था यानी कि सलार मूवी 400 करोड़ के बजट में बनकर 400 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जिसके अंदर सारे जो कास्ट थी मूवी की उनकी फीस भी थी, उसके बारे में हम इसकी वीडियो के आगे बात करते हैं। अब रही बात वर्डिक्ट यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि सलार मूवी बॉक्स ऑफिस पर इसी कलेक्शन इसी बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है हिट की। मुझे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। चलिए आपको बता दें कि सलार मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था, इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2023 की तेलुगु मूवी की लिस्ट में फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। लेकिन अगर हम साल 2023 की ऑल इंडिया मूवीज की लिस्ट की बात करें तो उस लिस्ट में सलार मूवी 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। नंबर 1 पर थी जवान, नंबर 2 पठान और नंबर 3 पर थी एनिमल, उसके अलावा नंबर 4 पर है सलार। चलिए आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर जो कास्ट है उन्होंने इस मूवी के लिए कितनी कितनी फीस ली थी। सबसे पहले बात करें सुपरस्टार प्रभास की, तो उन्होंने इस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए लिया था। इसके अलावा मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की बात करें तो वो उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने का, इसकी स्टोरी लिखने का 50 करोड़ रुपए लिया था। अगर बात करें श्रुति हासन जो इस मूवी की एक्ट्रेस है, उन्होंने इस मूवी के लिए 8
करोड़ रुपए लिया था पृथ्वी राजकुमार, उन्होंने इस मूवी के लिए 4 करोड़ लिया था। और रही बात जगपति बाबू, जिनका इस फिल्म के अंदर मेन रोल था, उन्होंने भी इस मूवी के अंदर 4 करोड़ रुपए लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।